भाई उज्जैन की गलियों में घूम रहे हैं। 1.5 किलोमीटर है यहाँ से मंदिर महाकाल का, उज्जैन 38 किलोमीटर। बड़ा लग रहा है कि मैं रोड छोड़ के गाँव में घुस गया। अभी तक कहीं पे भी पुलिस वालों ने हाथ नहीं दिया ना रोका। सुना है उज्जैन में जो महाकाल का दर्शन कर लेता है उसके सारे कष्ट कटित हो जाते हैं। ये देख लो, ये मुझे लग रहा है ये मार्केट ही जाना है, और ये मुझे पता भी था कि मार्केट ही जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे याद था मैं उल्टो शायद हो तो। सो ये एक अच्छी चीज़ भी है, आप आराम आराम से पहुँचोगे शाम तक उज्जैन। वैसे मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है, सिर्फ चाय पिया हूँ 2 बार और 1 बार बिस्किट और पानी वानी पीते आ रहा हूँ। तो मैं जितना जल्दी पहुँच के दर्शन कर लूँ मेरे लिए उतना ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे भूख नहीं लगा है, ये एक अच्छी चीज़ है, ये भगवान की माया है या लीला कहूँ या जो कहूँ, भूख अभी तक नहीं लगा है। मुझे कहीं से आगे घूमना है, वही कह रहा हूँ मैं बातचीत में। यहाँ ये चीज़ नहीं भूलना है कि गांव वाले रोड में हूँ मैं, इधर उधर से घूमना भी पड़ सकता है। STRU मिक्सी, अब गूगल मैप ने देखो घुमा दिया है मुझे, बट लिटरली मुझे नहीं पता है कि इसमें किधर घुमाया है और किधर कहाँ से क्या ले जाएगा। बस इतना जानता हूँ कि इसी को जो है अब फॉलो करते रहना है। ओ भाई, गांव-गांव से ले जाएगा के। क्या कहना चाह रहा है ये, भला लग रहा है कि मैं रोड छोड़ के गांव में घुस गया हूँ। ये देख लो भाई, ये टनल, ओह शिट, तो आगे आगे रोड वहां से पकड़ाएगा हमें। वाह जी गूगल मैप जी वाह, खेतों में मत चलवा देना बस बाइक को, क्योंकि एक RC खेत के लिए बनी ही नहीं है। ओहो ये क्या है, मधुरी कृपा जो भी हो। उज्जैन 38 किलोमीटर्स, जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय जय भोलेनाथ। अच्छा 41 किलोमीटर, तो लो भाई चलते चलते अब हम गांव वाले रोड में भी आ गए हैं। अब यही रोड हमें स्ट्रेट जाना है तो उज्जैन जो है वो आ जाएगा। सिस्टम ऐसे रोड पे भी, गांव ही रोड पे भी टोल लेते हैं ये लोग, एकदम से समझ में आ रहा है। और वो भी लेडीज लोग बैठे हुए टोल लेने के लिए, इसका मतलब यही है कि ऐसे रोड पे भी टोल लिया जा रहा है। तो छोड़ो मैं क्या ही बोलो, इनका अपना सिस्टम है भाई। बट ये था कि जब हम लोग लॉकडाउन में आ रहे थे तो गुजरात सरकार ने टोल माफ़ कर दिया हुआ था, टोल नहीं लग रहा था कहीं पे भी, अभी टोल लग रहा होगा वहाँ। चलो भाई बढ़ा जाए, क्योंकि ज़्यादा देर रुक के इधर फ़ायदा नहीं, ऐसा ही रोड मिलने वाला है आपको उज्जैन तक। उज्जैन के बाद से जो है फिर स्टेट हाईवे ये वो सब मिलेंगी, बट अभी यही मिलने वाला है आपको 40 किलोमीटर तक, बहुत अच्छे से याद है मुझे। चलिए बढ़ते हैं आगे। से 20 किलोमीटर पहले का कोई गांव है, बाई नेम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन दोनों साइड रोड के घर है एकदम चिपके चिपके, लो नेम भी पता चल गया, साबू खेड़ी। ठीक है साबू खेड़ी जगह ये देख लो, इधर भी लेफ्ट में भी घर चिपक के रोड में, राइट में भी घर चिपक के, ज़्यादा दूर नहीं है थोड़ी दूर में ही है। और इन केस ऑफ एक्सीडेंट पीछे नंबर दिया हुआ था 1099, आप कॉल करोगे तो आपके लिए हेल्प वाले पहुँच जाएंगे। अब कौन पहुँचेगा ये नहीं पता। ये दूल्हे की गाड़ी मस्त सजाई जा रही है फूल पत्ती लगा के, और
यही है अपना रास्ता कुछ सामने एकदम सुनसान। नाइट में यहाँ से जाते तो डर लगता है यार। ऐसे भी 3:30 हो ही गया है, 4 बजे तक भी पहुँच जाए तो बढ़िया है। पता नहीं मंदिर कब तक खुला रहता है, मुझे नहीं पता है, बट मंदिर तो बंद नहीं होता, वो तो खुला ही रहता होगा। और लिखा है दर्शन करना तो करेंगे, चाहे जैसे करें। पहाड़ दिखाते दिखाते मैं आप लोगों को भयानक डरावना मंजर भी दिखा रहा हूँ। ये घर देखो, लग रहा है कि साला 100 साल पुराना है, और दोनों साइड जंगल ही जंगल। इमेजिन करो कि नाइट में आप जा रहे हो और आपके सामने शेर आ जाए, और एक नहीं 2-3 खड़े हो जाए, तो आप क्या करोगे? आप तो बाइक एकदम इमीडिएट 360 तो मोड़ नहीं लोगे। सोचो वैसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करेगा कि मैं क्या करूँ। अभी अपने को 12 किलोमीटर और जाना है उज्जैन के लिए। क्या पानी टैंकी है शायद यहाँ के लोकल लोगों के लिए। और ये घना जंगल दोनों साइड। अच्छा हुआ कि मैं शाम में ही इस पैच को क्रॉस कर ले रहा हूँ, नाइट में क्रॉस करता तो यार डर लगता मुझे कल की तरह। जैसे कल नाइट में डर लग रहा था, वैसे आज भी नाइट में डर लगता। बट ये चीज़ है, मैं यूपी क्रॉस कर, बिहार क्रॉस कर गया, यूपी क्रॉस कर गया, एमपी भी क्रॉस कर ही जाऊँगा आज। अभी तक कहीं पे भी पुलिस वालों ने हाथ नहीं दिया ना रोका, पता नहीं क्यों, कहीं पे भी किसी पुलिस वालों ने नहीं रोका। अच्छी चीज़ है, नहीं बोलना चाहिए वरना क्या पता आगे ही रोक दें। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। चलो भाई आ गए उज्जैन हम। वहाँ पे लिखा है जय श्री महाकाल, मेरा शहर मेरी पहचान, आई लव उज्जैन। फाइनली भोलेनाथ के दरबार में हम पहुँच गए हैं। अब बस फटाफट से मंदिर के पास पहुँच के होटल ले लेना है, और नहा वहा के दर्शन करके फिर ही निकलना है। तो भैया बट हेलमेट का कोई रूल मुझे नहीं दिख रहा है, कोई हेलमेट में नहीं है, एक आदमी भी हेलमेट में नहीं दिख रहा है। मैं नहीं समझ रहा हूँ क्यों, पुलिस भी खड़ी है बट फिर भी हेलमेट का कोई फाइन चालान कुछ भी नहीं। यार इस मामले में ना मैं सच बताऊँ, पटना बहुत ज़्यादा आगे है और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। पटना और दिल्ली मुझे अभी तक तो दो ही चीज़ लगी जहाँ पे बाइकर्स या कार वाले किसी भी रूल को लेके स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, भोलेनाथ। सुना है उज्जैन में जो महाकाल का दर्शन कर लेता है उसके सारे कष्ट कटित हो जाते हैं। एक बार मैं गया भी था तो दर्शन नहीं कर पाया, मेरी ही गलती थी। बट इस बार नहीं, गलती क्या थी मेरी, कोरोना था, वो लोग बोले कि एमपी वाले ही सिर्फ अलाउड है, और हमारी गाड़ी जो थी यूए नंबर थी तो उन्होंने गाड़ी साइड कर दी। बट हम चाहते तो पैदल जाके दर्शन कर सकते थे, बट लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं उस टाइम भूसा भरा था, मैं बोला नहीं यार निकल चलते हैं। क्या बोलूँ मैं, चलो कोई नहीं, आज वो गलती सुधारने का मौका आ गया है 4 साल बाद दोबारा से वो सेम गलती नहीं करेंगे। एक गोलंबर आएगा जहाँ तक मुझे पता है, और गोलंबर के पास से एक नदी होगी, छोटी सी ब्रिज, और वहीं पे मंदिर है महाकाल का। तो बस वो गोलंबर तक मैं चला जाऊँ गूगल मैप के थ्रू, वहाँ से तो मेरा देखा हुआ है। ओहो, अंकल बिना हेलमेट के थक बका गए। मज़ा बहुत आ रहा है इधर चलाने में भाई, क्योंकि सारे लोग अटेंशन दे रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं ध्यान से आखिर ये क्या चीज़ है। और मैंने पूरा गियर्स वियर्स पहना है ना, शूज़, ये ग्लव्स, और कुछ लोगों तो ये लेदर जैकेट भी गियर्स ही लग रहा होगा। जय भोले बाबा। हेलमेट वेलमेट तो सब अच्छी अच्छी चीज़ें वाइब्स आ रही हैं। थोड़ा थोड़ा वाराणसी की तरह भी लग रहा है, वाराणसी में भी कोई हेलमेट का चलान नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लो भाई चामुंडा माँ, क्या बोलते हैं इसको, चौराहा पे हम लोग आ गए, और यहाँ से स्ट्रेट जाना है हमें।
सर्कल तो हमें कोई दिख नहीं रहा है। सर्कल क्रॉस करके स्ट्रेट जाना है, 1.5 किलोमीटर है यहाँ से मंदिर महाकाल का, और लोगों के रिएक्शन से यहाँ पे तगड़े आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तगड़े। यार ये गूगल में भी क्या क्या खोल दे रहा है। मज़ा आ गया भाई साहब, यहाँ के एक अलग सी वाइब्स आने लगी मुझे। इधर जाना है हमें। ओ तेरी, यहाँ से स्ट्रेट 350 पे लेफ्ट। भाई साहब बड़ा गोल गोल सा सिस्टम है यहाँ यार, किसी से पूछो भी तो कोई क्लियर बता नहीं पाता है। कोई नहीं, भटकते भटकते पहुँच जाएंगे। जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय महाकाल। यही है महाकाल की नगरी में घुसने का जगह। ओ तेरी भाई साहब, ये मंदिर में घुसते घुसते ये सब क्या दिख रहा है, ये कपड़े, ये सब चीज। चलो कोई ना, यहाँ ऐसे चलते हैं। मतलब एक चीज़ है यहाँ पे, क्लीन बहुत है ये सिटी, ये आपको मानना पड़ेगा। स्ट्रेट हमको किधर जाने का है, कभी कभी मैं ही अपनी बाइक बहुत गंदी चलाने लगता हूँ। मुझे भी नए लड़कों की तरह जैसे गियर लगाने में ढम करके गियर डालता हूँ मैं। क्या करोगे, एक हाथ बिजी है ना और ट्राइपॉड है नहीं, तो फोन वाला कर लिया होता तो अच्छा रहता। यहाँ से आके इमीडिएट राइट होना है फर्स्ट। ओहो, हम सीधा अंदर निकल गए, अंदर अंदर सीधा हम मंदिर के पास जा रहे हैं। चलिए कोई ना, अभी यहाँ से फिर से 1.5 किलोमीटर। यार क्या चल रहा है ये, लो भाई उज्जैन की गलियों में घूम रहे हैं, तो बनारस की गली से भी ज़्यादा भटकने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। बट बनारस से चौड़ी है ये, इसकी बहुत पतली पतली गली होती है और सोलिंग लगा हुआ रहता है वहाँ पे पत्थर। यहाँ चौड़ी है थोड़ी, और ये PCC है, कहीं पे डामर है। लो सिंह पैलेस होटल, बहुत सारी होटल मिलेंगी, कहीं पे भी देख के हम स्टे ले लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीच महाकालेश्वर मंदिर एंड देन वी हैव डिसाइड कि किधर रुके। लो भाई बढ़े जा रहा हूँ, कोई कुछ पता नहीं जाना किधर है। आगे से घूमना है राइट, चलो सही हो। साढ़े 900 मीटर और रह गए हैं,
बाइक से घूमने वाला ये रास्ता शायद मैंने सेलेक्ट कर लिया है, कार से होता तो कोई दिक्कत नहीं होता। कैंसिल भैया, मंदिर आ गई है, मंदिर आ गए हैं महाकाल का, वहाँ अंदर जैसे बाइक की पार्किंग वार्किंग नहीं है। रुक गया हूँ मैं, ये पार्क कर दी हमने गाड़ी, ये मंदिर यहीं पे है 500-600 मीटर जैसा, और सिंगल रूम मिल नहीं रहा था तो डबल ही रूम लेना पड़ा हमें, और यहाँ पार्किंग भी सामने है। और सबसे बड़ी चीज़ कि होटल में ये कैमरा 24/7 ऑन रहता है ना भाई, तो वो सारी सिक्योरिटी देख के हमने जो ये डिसाइड कराया, मैंने ये देख लो, मैं भी दिख रहा हूँ इस वाले सेक्शन में, इस वाले में होटल का नाम है बिग ड्रीम पैलेस। आईडी हमने दे दी है और बाकी की सारी जो प्रोसीजर है वो हो रही है।